गाइस आज हमारा उद्देश्य ये कुरुक्षेत्र को घूमना और वहाँ कवर करना के फिर जो महाभारत का युद्ध हुआ था। सो गाइस अभी देखो एंट्री कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। अपने भगवान परशुराम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके तब ये इस कुंड का मतलब उत्पन्न हुआ, ये बना ये कुंड। ये देखिए गाइस, ये देखिए हो गए होंगे दर्शन, ये बैठे हैं अर्जुन, और ये देखिए विराट स्वरूप श्री कृष्ण जी का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज जो स्टे किया था हमने हरियाणा में, दो से तीन दिन हम यहाँ रुके थे करीब, क्योंकि सेवा चल रही थी, वो हम दिखा नहीं सके थे क्योंकि सेवा में अच्छे से करनी चाहिए, वो मतलब वीडियो नहीं बनानी चाहिए उसकी है। तो अब सेवा करके एंड अब निकलते हैं हम आई की ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, सभी इस वीडियो में आज के दिन का जो रहेगा वो दिखाएंगे गाइस। एंड चलते हैं। तो विशाल जी आगे जा रहे हैं, विशाल जी यो। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अब रोड पे, अब देखते हैं यहाँ से लिफ्ट देखते हैं आगे के लिए। पहला जो हमारा मोटिव है कि हमें कुरुक्षेत्र रुकना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र हमें एक्सप्लोर करना है। काफ़ी टाइम से मेरा मन था कुरुक्षेत्र एक्सप्लोर करने का। तो अभी देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी मिलती है तो लिफ्ट लेते हैं। विशाल जी आए खड़े हुए हैं और देखो यहाँ अभी निकल के हम आध्यात्मिक स्थल से अभी मन्नत सामने है, समाल खाम है। अभी देखते हैं कि गाड़ी गाड़ी मिलती है, कहाँ तक की लिफ्ट मिलेगी। तो आगे का कहाँ रुकने का प्लान है वैसे? अभी कुरुक्षेत्र चल रहा है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भाई मेरा बहुत दिनों से मन है कुरुक्षेत्र को शूट करने का, जहाँ ना महाभारत का युद्ध हुआ था वो जगह देखनी है मेरे को। ठीक है ना, दिखाते हैं गाइस। लिफ्ट तो मिली नहीं लेकिन गोलगप्पे वाले भैया मिल गए। अब भैया खिला रहे हैं गोलगप्पे। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। कहाँ से, मतलब कहाँ रहते हैं आप? गन्नौर। गन्नौर, अच्छा। गन्नौर से आप कहाँ जाते हैं गोलगप्पे के लिए? खाटू श्याम जा रहे हैं। अच्छा भैया, जा रहे हैं खाटू श्याम मतलब गन्नौर से। तो कोई नहीं, लिफ्ट आगे मिलती है, पहले गोलगप्पे का स्वाद चख लें, उसका मिलते हैं। तो गाइस भैया को जब पता चला कि हम विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं तो भैया ने पैसे नहीं लिए, मतलब मना कर रहे हैं पैसे लेने से। थैंक यू सो मच भैया। एंड भैया का नाम अरविंद है, भैया मतलब गन्नौर से आते हैं। एंड आगे खाटू श्याम जी का मंदिर है एक चिलकाना धाम का है, तो वहाँ पे जाके गोलगप्पे बेचते हैं। तो आप जब भी अगर इधर साइड में हो तो भैया गोलगप्पे खाएं, बड़े टेस्टी गोलगप्पे हैं। भैया दो तरह के पानी लगाते हैं एंड बहुत प्याज व्याज डाल के अच्छी तरह से। तो थैंक यू सो मच भैया का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड प्यार दीजिए, आगे मिलते हैं। तो गाइस अभी एक ट्रक वाले भैया अंकल जी ने रोका है तो हमें लिफ्ट मिल चुकी है। ट्रक वाले अंकल जी भैया ने, हेलो अंकल जी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? साल ओके। तो अभी अंकल जी ने हमें लिफ्ट दिया है। एंड अंकल जी मैं आपको बता दूंगा, हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट मनी, यानी कि ऐसी लिफ्ट ले लेकर घूम रहे हैं। अभी हम लद्दाख जा रहे हैं तो आपका लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। सो गाइस अभी हम रुके हैं बीच में, मतलब ये कौन सी जगह है अभी बताता हूँ पूछ के। अंकल जी का ट्रक वो खड़ा हुआ है, अंकल जी बोला चाय पीते हैं और यहाँ चाय की शॉप पे पियेंगे चाय। और पहले मिलते हैं चाय वाले भैया से। हेलो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया कौन सी जगह है ये? करनाल टोल टैक्स है भैया। करनाल टोल टैक्स पर रुके हैं, अंकल जी ने बोला चाय पीते हैं पहले, तो अभी चाय पियेंगे फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। ये देखो विशाल जी अंदर ही जुद उतार रहा है, ये तो मजा ले रहा है। तो अभी चाय पीते हैं उसके बाद आगे निकलेंगे, करनाल टोल टैक्स पर खड़े हैं अभी हम। गाइस 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 ये देखो चाय, करनाल पे खड़े होके हम पी रहे चाय, काफी टेस्टी है। वाह वाह वाह, ये भैया का टी स्टॉल है। कभी भी करनाल टोल टैक्स पे आओ तो राकेश सरपंच टी स्टॉल पे जरूर आना, यहाँ की चाय टेस्ट करना, बड़ी काफी प्यारी है, मतलब क्या प्यारी नहीं कह सकते, काफी अच्छी है, स्वाद बहुत अच्छा है। तो गाइस एंट्री कर दी हमने कुरुक्षेत्र में, बहुत जल्दी हम कुरुक्षेत्र मतलब उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ अजब अजब नज़ारे, जो इतिहास हम तो पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आज हम उस जगह जा रहे हैं क्योंकि देखो घूमो लेकिन ऐसी चीज़ों को कवर जरूर करो जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो गाइस आज हमारा उद्देश्य यही है कुरुक्षेत्र को घूमना और वहाँ कवर करना के फिर जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जो वहाँ पे पांडव रुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र वहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगी। और हम कोशिश यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकें, सही कह रहा हूँ विशाल जी? बिल्कुल। तो गाइस बने रहना वीडियो में,
ब्लॉग में और प्यार देते रहना, शेयर करते रहना। गाइस बाय। गाइस गाइस गाइस, अंकल जी ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। लिफ्ट काफी लंबी लिफ्ट थी, करीब कितने किलोमीटर तक दी होगी अंकल जी आपने लिफ्ट? 110 किलोमीटर करीब अंकल जी ने लिफ्ट दी, और अभी कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया अंकल जी ने। तो थैंक यू सो मच अंकल जी, ऐसे ही जो भी मिले आप हेल्प करते रहिए, और बड़ा अच्छा लगता है। अंकल जी ने चाय भी पिलाई थी बड़ी टेस्टी, एंड चलते हैं कुरुक्षेत्र के दर्शन कराते हैं आपको, एंड उतरते हैं अभी। सो गाइस, अभी देखो एंट्री कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का गेट, यहाँ से अंदर जाके कुरुक्षेत्र मंदिर एंट्री करेंगे हम। एंड ये चौराहा है, तो अंदर चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको क्या क्या नज़ारे हैं आके। गाइस पता है, गाड़ी वाले तो सब लोग लिफ्ट देते हैं, और सबसे अच्छा बात हमें ये लगी कि यहाँ पे भैया ने हमें लिफ्ट दी, हमारे लिए रुके वो ये ई रिक्शा वाले भैया। थैंक यू सो मच भैया जी, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार नाम है भैया, ई रिक्शा चलाते हैं यहाँ पे। तो मतलब एक मतलब ये चीज़ है कि कभी ये लोग ना अपनी सवारी देखते हैं, ये लिफ्ट कम देते हैं, लेकिन इन्होंने लिफ्ट दी, ये मेरे लिए मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है विशाल जी। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने लिफ्ट दी। सो गाइस, अभी सत्संग वगैरह कर लिया है, निकल आए हैं हम बाहर, एंड अभी हम जो हैं वो है सूरज कुंड पर हैं। अब ताल है, हम यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं यहाँ पर। तो भी अंदर चलना है, देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे प्लेस बने हुए हैं यहाँ पर ये। और ये क्या चीज़ है ये पता करना पड़ेगा, स्मारक है कोई। एंड ये देखिए गाइस, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ ऐसे प्लेस पर जाएंगे जहाँ आपको भी दिखाने मजा आएगा। अभी अंकल जी ने लिफ्ट दी है हमें ब्रह्म सरोवर के लिए, ये ब्रह्म सरोवर है, अभी अंदर जाके विजिट करेंगे। तो थैंक यू सो मच अंकल जी, एंड थोड़ा सा ब्रह्म सरोवर के बारे में बता दीजिए कि ब्रह्म सरोवर बहुत पुराना कुंड है, कहा जाता है काफ़ी 6000 साल से भी पुराना कुंड है। 6000 साल से भी पुराना कुंड बताया जाता है, जो कहा जाता है अपने भगवान परशुराम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके तब ये इस कुंड का मतलब उत्पन्न ये बना, ये कुंड तब बना है। कुंड काफ़ी पुराना माना जाता है, ये महाभारत समय से भी पुराना है ये। अच्छा, काफ़ी हजारों साल पुराना है। कुरुक्षेत्र का मेन इतिहास है ब्रह्म सरोवर, यहाँ से 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस आगे दूर पे अपना गीता उपदेश है। ऐसे अलग अलग कुरुक्षेत्र में मेन 5-6 पॉइंट है जो अपना प्राचीन और ऐतिहासिक पॉइंट है। शक्तिपीठ माँ भद्रकाली मंदिर है कुरुक्षेत्र में, पावन पीठों में एक पीठ जहाँ माता रानी का दाहिना पाँव कट के गिरा, और ऐसे ही थानेश्वर महादेव टेम्पल है काफ़ी प्राचीन है। तो ऐसे ही अपना विष्णु कुंड बाणगंगा है, सभी अलग अलग जगह पे, कोई नरकातारी गांव में, कोई ज्योतिसर गांव में, कोई सिटी के अंदर। ऐसे ही अपना मेन शहर अपने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, इसके जाके अंदर दर्शन करिए, बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन जगह है ये। थैंक यू अंकल जी हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए, एंड जो भी होगा और आगे दिखाते हैं आपको अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। जैसे कि अभी ऑटो वाले भैया ने बताया जिन्होंने हमें लिफ्ट दी, कि काफ़ी पुराना प्राचीन इतिहास का ये ब्रह्म सरोवर मंदिर है, एंड यहाँ पे ये महाभारत के टाइम से भी और पुराना है। तो ये कुरुक्षेत्र के एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं, और दर्शन कराते हुए आगे के बढ़ते चलेंगे। देखिए गाइस, अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है पूरा अंदर का नज़ारा। ये ब्रह्म सरोवर, जैसे कि अंकल जी ने बताया कि इनका क्या इतिहास है, जो भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या करके इस मंदिर मतलब इस पूरे ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था। तो यहाँ पर हम आज आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के एक फेमस तीर्थ स्थल पर। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। गाइस यहाँ पर फेमस मंदिर है, ये देख सकते हैं सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। हेलो गाइस, तो अभी हम जैसे कि आपको पता है ब्रह्म सरोवर पर हैं। तो अभी जैसे कि मैंने पढ़ा इसके बारे में, जाना जितना भी मैं जान सका, तो इसके बारे में मुझे पता चला कि सरोवर उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि जब महाभारत का आखिरी दिन था युद्ध का, तो जो
दुर्योधन जो छुपने के लिए आया था ना पानी के अंदर, जो वो इसी सरोवर में छिपा था, जो मैंने पढ़ा है, मतलब जहाँ तक मैंने अभी गूगल पर सर्च किया है तो इसी सरोवर के अंदर छिपा था मतलब है। और आप देख लेना मतलब वो सरोवर, एक बार और दर्शन कराता हूँ इधर से चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है सरोवर, ब्रह्म सरोवर। तो गाइस ब्रह्म सरोवर पे ये बना हुआ है रथ, जिसमें श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, जो उसके महाभारत के अंदर उपदेश दिया था। तो शायद ये वही जगह है, मतलब यहाँ पे उपदेश दिया गया था, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ पूरे एंगल से। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को। ये ऊपर देख सकते हैं, ऊपर रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो जैसे कि महाभारत में गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने, तो ये वो ही प्लेस है गाइस। एंड यहाँ पे एक दो प्लेस ऐसे और हैं जो मतलब जैसे कि जो वरवरिक का जो सर काटा था, जो खाटू श्याम जी आज के रूप में आप आज जाने जा रहे हैं, जो जिनकी आप हम पूजा कर रहे हैं अभी लोग, तो वो जगह भी मैं दिखाता हूँ जहाँ शीश का शीश दान हुआ था, उस जगह ले चलता हूँ आपको भी। गाइस ये प्लेस है मतलब जहाँ पे ये मतलब ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि है कुरुक्षेत्र धाम। मतलब यहाँ से हम ये श्याम दरबार, मतलब शीश का दान जो हुआ था ना, मतलब जो बर्बरिक जो खाटू श्याम जी महाराज हैं, उन्होंने जो अपना कहते ना कि उन्होंने बोल दिया था कि जब श्री कृष्ण जी ने उनका जब टेस्ट किया था, मतलब उनके उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब छेद कर जो पत्तों में छेद किए थे, तो एक पत्ता उन्होंने छिपा लिया था, उसमें भी छेद कर दिया था एक तीर से ही। तो उन्हें पता था जिसकी तरफ भी ये पहुँच जाएंगे तो पांडव तो वैसे भी जीतने वाले नहीं हैं, तो युद्ध को तो फिर उन्होंने, ये देख सकते हैं प्यारे प्यारे कितने ये स्तंभ बने हुए हैं, उसी की वजह से श्री कृष्ण जी ने उनका शीश का मतलब जो अपने चक्र से काट दिया था सिर्फ। ये देखिए हम पार्क में आ गए, ये प्राचीन मंदिर चंद्रकूप द्रौपदी, पूरा पार्क है, इतना प्यारा पार्क बना हुआ है, इसमें तरह तरह के स्तंभ बने हुए हैं। देखिए तो लिखा भी हुआ है, मतलब देखिए मैं सभी जगह क्या लेके जाऊँ आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो ये देखिए, एंड ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अट्रैक्टिव तीर, ये देखिए, फिर ये देखिए, ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से बनाया गया ये पार्क, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं किस किस का पूरा वो है। आप कभी अगर कुरुक्षेत्र अगर आए तो ब्रह्म सरोवर पर आप घूमने जरूर आना, बहुत ही पीसफुल जगह है, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और पूरा घूम सकते हैं कि कैसे कैसे इतिहास में हिस्ट्री में क्या था वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सब जो यहाँ के स्तंभ बने हुए हैं वो देख सकते हैं यहाँ क्या क्या हुआ। तो अभी काफ़ी अच्छे से प्लेसेस देखे हम और आगे चलते हैं। सो गाइस अभी ब्रह्म सरोवर से निकल गए, निकल के आए बाहर, एंड देख सकते हैं यहाँ बाहर ये काफ़ी शॉप लगी होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ पर कभी भी करें, ये गेट है इसका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहाँ जाना होगा वो दिखाएंगे आपको। गाइस अभी यहाँ से एक गुरुद्वारा दिखाता हूँ, वहाँ पर लंगर चल रहा था, तो वहाँ मिले मैं
सरदार जी होने को लगता है खाना खाते हैं, चलो लंगर करते हैं। तो ये देखो लंगर गुरुद्वारे का, तो विशाल जी बैठे हैं, सरदार जी बैठे हुए हैं। हेलो सरदार जी, कैसे हैं? और भैया जी भी ब्लॉगिंग करते हैं, वो फॉरेन घूमते हैं। हम इंडिया घूम रहे हैं, वो फॉरेन घूमते हैं, तो आगे मिल जाएंगे। सो गाइस लंगर कर लिया है और अभी निकल रहे हैं, अभी रणभूमि जाना है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया था, तो वहाँ मिलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं उस प्लेस पे जो कुरुक्षेत्र का मेन प्लेस है, मतलब जो जहाँ पर युद्ध हुआ है ना, धर्म युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ, उस प्लेस के मिड पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ पे ना श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था अर्जुन को कि देख अर्जुन मेरा विराट स्वरूप, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अस्त्र मुझे काट नहीं सकता। तो उस प्लेस पे आ चुके हैं, तो पूरा विजिट कराता हूँ आपको मैं, और कैसे कैसे क्या क्या बना हुआ सब दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। ये विशाल जी लेटे हुए हैं, देखो ये हमारा पूरा भारत यात्रा का सामान, देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, तो पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी ये दिखाया कि वो जो ज्ञान दे रहे थे ब्रह्म सरोवर के पास में, गाइस वो एक डेमो था, एक सेल्फी पॉइंट था, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला था, वो मैंने आपको अब बता रहा हूँ। लेकिन ये मेन जगह है, मतलब कुरुक्षेत्र में तो वो भी आता है, वहाँ भी महाभारत का युद्ध पूरे एरिया में हुआ था, लेकिन ये है मेन। ये सूर्य के वजह से मैं आपको दिखाऊँ पास से ले जाके, एक सेकेंड ये देखिए, बहुत साफ पानी था, ये देखिए गाइस, ये देखिए हो गए होंगे दर्शन, ये बैठे हैं अर्जुन, और ये देखिए विराट स्वरूप श्री कृष्ण जी का, क्या क्या बोला था ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पूरे इसके दर्शन कराते हैं, ये नीचे क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पास में ही है जो, मतलब भीष्म पिता ने जब सया पे लेटे हुए थे और जब उन्हें लगी थी प्यास, तो अर्जुन ने तीर मारा था, तो गंगा जी निकली थी वहाँ से, उन्होंने पानी पिया था, तो वो जगह। एंड ये पूरी जो जगह है ना, मतलब ये वही जगह है, मिड पॉइंट है जो कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे ना मतलब युद्ध हुआ था, पूरी युद्ध की जगह है। और एक और चीज़ बता दूँ ना, जब बोल रही है ना कि मतलब महाभारत की जो कुरुक्षेत्र की जगह अभी भी लाल है, भाई यार मैं तो यही सोचता आता था कि लाल है, लेकिन एक बात बोलो ना, लाल नहीं यार, यहाँ तो घास हो गई है, देखो ऐसी चीज़ें बन गई, घास ही घास है। पूरे कुरुक्षेत्र में घूम लिया मैं आज, ठीक है, बैक से देखो ये पूरे शेषनाग, ये पूरा अवतार विराट स्वरूप दिखाया था ये, तो नहीं कोई मतलब लाल वाल नहीं है भाई, यहाँ बन चुका है वो, तो नीचे चली गई है पूरी ज़मीन, तो इस चीज़ें मत रहिए, मतलब कि लाल है वो, ठीक है ना। और आगे दिखाते हैं व्यू, आपसे पूछे गया था वो। आप फेमस हो गए आज, ये एरिया कौन सा है? ये म्यूजियम है, मतलब यहाँ का, मतलब ये मिड पॉइंट है जहाँ उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया और ज्ञान, मतलब ज्ञान दिया, गीता उपदेश दिया है। और ये एरिया मतलब ये यहाँ कुंड वगैरह था, कोई कुंड था, मतलब ये वो वाला कुंड है क्या? ये सैया वाला कुंड तो नहीं है जो जिसमें भीष्म पितामह को, मतलब वो नरकतारी में है? ओके, वो नरकतारी में जहाँ पर भीष्म पितामह ने पानी पिया था, जो अर्जुन ने अपने तीर चलाया था। तो गाइस अभी दिखाता हूँ आपको, अक्षयवट पेड़ है यहाँ पर, एंड वो प्लेस जहाँ पे गीता उपदेश दे रहे हैं, मतलब जो बनाया हुआ है वहाँ भी, ये भी इन्होंने बनाया रखा है यहाँ पे अच्छी तरह से। तो आप कभी आएंगे तो पूरी चीज़ आपको दिखाई देंगे, मतलब काफ़ी मंदिर है, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो देखो ये देखो गाइस, ये है ये गीता उपदेश, और आगे ये अक्षयवट के दर्शन करा दूं मैं, ये देखो ये श्री कृष्ण जी ज्ञान देते हुए। तो गाइस मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ मंदिर ही मंदिर है आगे, और मैं आपको ले जाता हूँ, बंदरों से सावधान रहना, बंदर भी बहुत है, मंदिर तो है ही, यहाँ बंदर भी बहुत है। देखो ये अच्छा बट पूरा काफ़ी अच्छा प्लेस है, मतलब आप आइए, कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है, मतलब
जो महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था ना, ये उसकी भूमि है। ये कुंड है यहाँ पे, ये भी काफ़ी मतलब उसी वर्ष उसी टाइम का कुंड है जब मतलब ये यहाँ पे एक पास में कुंड था। और भी कुछ कुरुक्षेत्र में दिखाने लायक होता है तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। और आप कभी आइए तो यहाँ विजिट करने ज़रूर आना। अगर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो मतलब ये चीज़ें ज़रूर देखो, यहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं वो ज़रूर देखिए। गाइज अभी हम निकले ज्योतिश्री घूम के, मतलब रेड भूमि घूम के निकले, तो तभी भैया जी गन्ने का जूस पीस रहे थे। उन्होंने हमारा बोर्ड देखा और उन्होंने बोला कि चलो जूस पीते हुए जाओ। उन्होंने पूरा पूछा, थैंक यू सो मच भैया। ओके सर, ओके। क्या नाम है भैया आपका? सेठी। क्या नाम है? सेठी। सेठी, सेठी नाम है भैया का। और ये ना यहीं पर जूस की दुकान लगाते हैं, मतलब गन्ने का जूस। ये जब आप आएंगे रेड भूमि घूमने, ज्योतिश्री घूमने आएंगे तो ज्योतिश्री घूमने आएगा तो भैया की यहाँ पर शॉप दिख जाएगी, तो यहाँ पर गन्ने का जूस जरूर पीजिए अगर जो आ रहे हैं तो। ठीक है गाइस, और पहले जूस पीते हैं और फिर चलते हैं। विशाल जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, गन्ने का। ये भैया ने ठंडा ठंडा गन्ने का रस लगा दिया। और देखो भाई गन्ने का जूस आ गया। पहले तो मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगा। भैया कौन सी स्टेट से आप? हम भैया यूपी से, यूपी अलीगढ़। एक साल हो गया घूमते घूमते। ये देखो गाइस, ये ठंडा ठंडा गन्ने का रस। तो गाइज अभी जब ज्योतिसर से निकले तो अभी हमारे भाई मिल गए थे, उन्होंने दोनों को लिफ्ट दी बैठा के बाइक पर। हमारे भाई क्या नाम है भाई आपका? क्रिश पंडित। क्रिश पंडित जी ने लिफ्ट दी तो इन्होंने बाइक से ही दी, हीरो होंडा से ही, और काफ़ी दूर तक इन्होंने हमें छोड़ा। अब यहाँ पर हम स्टे का देखेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया, ऐसे ही हेल्प करते रहिए लोगों की, थैंक यू सो मच हैं। तो गाइज अभी आपने देखा कि आज हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो ज्योतिसर एंड ब्रह्म सरोवर। तो आज हमें स्टे कहाँ करना है, स्टे किया हमने बाबूजी के सैनी समाज धर्मशाला में। तो बाबूजी का नाम है श्यामलाल सैनी एंड बाबूजी यहाँ पूरी धर्मशाला को देखते हैं, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। एंड यहाँ का जो किराया है अभी विशाल जी ने पूछ लिया है, करीब 600-700 रुपये किराया है। एसी रूम है। कभी भी आप अगर आओ कुरुक्षेत्र में, और एड्रेस एक बार, कौन सा रोड है ये? पेवर रोड। कभी आप अगर इस रोड पे आओ तो, अगर आपको रुकना हो तो 600 रुपए की ज्यादा नहीं है, नॉर्मल आप आइए, रुकिए, स्टे कीजिए। बहुत अच्छी रूम है, रूम वगैरह काफी बड़े एरिया में, पार्क वगैरह भी है, अभी पार्क में बैठे हुए थे हम, तो आपको सब अवेलेबल कराया जाएगा। तो अभी ये चलते हैं रूम में, अगर हो सका रूम भी दिखाते हैं और आके मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी आए हम खाना खाने के लिए, यहाँ पर लंगर चलता है, जैसे कि ये प्लेट रखनी है। एंड ये विशाल ले रहा है जी, ले लिया एक ही में ले लियो है। क्या क्या है? चावल, एंड मैं चेक कर लो एक बार, ये दाल है एंड इसमें फुलके। तो करते हैं अभी खाना। तो गाइस अभी लगा ली हमने प्लेट खाने की, ये देखिए है, इतना नमक ही डालना। ये फुलका है, चावल है, दाल है, और ये विशाल है। तो खाते हैं गाइस, मिलते हैं रूम में। सो गाइस अभी आ गए हैं हम रूम में, एंड काफ़ी अच्छा रूम प्रोवाइड किया अंकल जी ने, एसी वाला रूम है, देख सकते हैं एसी चल रही है, एंड इसमें टीवी भी है आप देख सकते हैं। और ये देखो विशाल जी लेटे हुए हैं। तो भाई आप देख लीजिए, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप बिना पैसे के भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जैसे कि भी आप देख रहे हैं एसी का रूम में भी खाना खा कर आए हैं। अभी चल रही है एडिटिंग चल रही है, ब्लॉग आ जाएगा तो देखना जरूर, ठीक है। और गाइस मैं भी एडिटिंग कर लूँ तो कल वाला ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और आपने वो देख लिया होगा जैसे हमारे निकलने वाला ब्लॉग, मज़ा आएगा गाइस, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड प्यार दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सबको सपोर्ट कीजिए गाइस, ठीक है, बाय।